गडरवारा में महेश्वरी समाज की महिलाओं के द्वारा गणगौर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गणगौर पूजा महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। महिलाएं अपने पति से छुपकर व्रत रखती हैं। मान्यता है भगवान शिव ने माता पार्वती को और माता पार्वती ने संपूर्ण स्त्रियों को सौभाग्यशाली होने का वरदान दिया था। गणगौर का मतलब गण शिव और गौरा मतलब माता पार्वती से है। महेश्वरी समाज की महिलाओं के द्वारा वेशभूषा में अलग अलग प्रस्तुतियां दी गई। महिलाओं के द्वारा घूमर डांस एवं नृत्य का प्रदर्शन किया गया। गणगौर प्रतिमा के सामने सभी महिलाओं ने अपनी साड़ी का पल्ला लेकर गीत गाया है और इसे हमने विगत 50 वर्षों से रखा है और नई बहुएं इसमें शामिल होके बहुत अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन अभी तक दे रही हैं और ये हमारे सुहाग का होता है पर्याय। तो इसमें हमारी पार्वती माता ने ईश्वर जी से लेके सुहाग का चीटा और सभी महिलाओं को दिया है। इसके अंतर्गत इसी प्रकार हम अपने सुहाग के कामना अच्छी करते हैं, सुहाग का वो बनाए रखने के लिए प्रोग्राम मतलब अपना देते हैं और इसमें सभी लोग अपने अपने पतियों की लंबी आयु की कामना करते हैं और इसमें हम लोग सज संवर कर आते हैं और अपना ये जो प्रोग्राम है ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और हम नई बहुएं भी इसमें आगे सीखती हैं बड़े लोगों से। तो इसी प्रकार का ये प्रोग्राम है। सभी को गणगौर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब गणगौर पर्व को हम क्यों मनाते हैं, ये हमारा पारंपरिक त्यौहार है, कितने दिन के लिए मनाते हैं ये सब हम जान ही चुके हैं। अब चूँकि 2 सालों से कोरोना के कारण हम ये त्यौहार नहीं मना पाए थे तो इस बार सब में बहुत उत्साह है। सभी सखियों ने बहुत उत्साह से भाग लिया है और सब बहुत खुश है कि सब एक जगह एकत्रित होकर हम अपना ये त्यौहार इस बार फिर से उसी उत्साह के साथ मना पाए हैं। माहेश्वरी समाज द्वारा प्रतिवर्ष गणगौर का ये त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया से शुरू होता है। तो चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन गणगौर का पर्व होता है जिस दिन माहेश्वरी समाज की सभी महिलाएं शंकर पार्वती को ईश्वर गौरा के स्वरूप में पूजा करती हैं और उस दिन मतलब गणगौर का हमारे यहाँ जुलूस निकलता है और उसको हम 3 दिन के अंतर्गत मनाते हैं। प्रथम दिन हमारा गणगौर का जुलूस है जो बड़े महावीर जी पे जाता है। द्वितीय दिन सारा समाज एकत्रित होकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। सभी बहुओं द्वारा घूमर गणगौर के झाले वारने आदि कार्यक्रम किया जाता है और इसी तरह माहेश्वरी समाज प्रतिवर्ष यह त्यौहार मनाता है जिसमें कि जुलूस पड़ने में शामिल रहता था तो बहुत कम समय मिल पाता था और ये बहुत अच्छा प्रयास है बीच में मनाने का। बहुत टाइम रहता है, आसानी से सब लोग पूरा समय देती हैं और उत्साह से। गढ़रवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।